यो व्हाट इज अप गेमर्स, इट्स योर बॉय वेलमो प्लीज। तो मैं वापस आ चुका हूँ एक और नई धमाकेदार एक्सप्लोजिव माइनक्राफ्ट की टॉप एडोन्स की वीडियो लेके। मैं जानता हूँ मैं लेट हूँ और आई एम सॉरी आई एम बीइंग लेट एंड मैं ट्राई भी करूँगा अपनी वीडियोस को जल्दी अपलोड करने के लिए, फुल मेहनत करूँगा। तो पहले एडोन का नाम है नेचुरल एक्सपेंशन एडोन। इस एडोन के अंदर आपको बहुत सारी बायोम्स देखने के लिए मिल जाएगी एंड कुछ नए नए ट्रीज देखने के लिए मिल जाएंगे और कुछ बर्ड्स देखने के लिए मिलेंगे एंड बस इतना ही है ये एडोन के अंदर। दूसरे एडोन का नाम है सीज क्राफ्ट एडोन। इस एडोन के अंदर आपको एक कैनन मिल जाएगी और उसके साथ कुछ कैनन बॉल्स मिल जाएगी जिसके अलग अलग इफेक्ट और अलग अलग पावर और अलग अलग डैमेजेस है। इसके अंदर आप अच्छी तरीके से इलाइट्रा को लॉन्च कर सकते हो, अपने दुश्मनों के बेस के ऊपर हमला कर सकते हो और भी बहुत सारी फैंटास्टिक चीज है इस एडोन के अंदर। जैसे कि इस एडोन के अंदर आपको दो टाइप की कैनन मिल जाएगी, उन कैनन को आप लीड के साथ खींच भी सकते हो। इन कैनन के अंदर आप अपने आप को लोड करके लॉन्च कर सकते हो और आप गिरोगे तो आपको फॉल डैमेज भी नहीं मिलेगा। इस एडोन के अंदर आप ये कैनन को क्राफ्ट नहीं कर सकते हो लेकिन आप ये कैनन को ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड करने के लिए आपको एक सीज टेबल चाहिए होगा, उसकी रेसिपी ये रही। आप ये सीज टेबल को क्राफ्ट करके आराम से कोई कैनन को ट्रेड कर सकते हो किसी भी चीज से, और कैनन बॉल्स को भी ट्रेड कर सकते हो किसी भी चीज से। अलग अलग कैनन बॉल्स की अलग अलग एबिलिटी से, नॉर्मल कैनन बॉल की एबिलिटी ये है कि वो एक रेवेजर को 3 शॉट में मार सकता है। इट्स अ रियली फैंटास्टिक एडोन एंड बहुत सगले इसके अंदर कैनन से, मैं अभी सबके ऊपर डिस्कस करने जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। बाकी की कैनन को आप यूं ही यूज करके देख सकते हो। एक नॉर्मल कैनन जो रेवेजर को 3 शॉट में मार सकते है तो आगे वाली कैनन कितनी मजेदार होगी वो आपके लिए सस्पेंस है। आप खुद ही एडोन को डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। इट्स अ रियली कूल एडोन, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट एडोन। अपना जो थर्ड एडोन है उसका नाम है मोर शील्ड एडोन। ये एडोन भी बहुत औसम है। मैं हमेशा औसम एडोन्स ही देता हूँ, मैं कोई भी एक नॉर्मल एडोन्स नहीं देता हूँ। जो मुझे अच्छे लगते हैं, क्या पता वो आपको अच्छे लगते हुए या नहीं, लेकिन जो मुझे अच्छे लगते हैं मैं वो एडोन्स देता हूँ और इसलिए मैं हर वीडियो में औसम बोलता हूँ। तो ये एडोन के अंदर आपको कई तरह की शील्ड देखने के लिए मिल जाएगी। तो पहली शील्ड का नाम है आयरन शील्ड। ये शील्ड मॉब्स को डैमेज देके उसे दूर फेंकती है। इट्स अ रियली गुड शील्ड आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये भी बहुत अच्छी शील्ड है। आगे और भी बहुत अच्छी अच्छी शील्ड्स आएगी। सो सेकंड शील्ड का नाम है इवोकेशन शील्ड। ये एक इवोकर टाइप की शील्ड है। अगर कोई भी ज़ॉम्बी आपको अटैक करेगा तो वो इवोकर जो जमीन से निकालता है ना, वो दांत जैसा, वो निकल के सामने वाले ज़ॉम्बी या सामने वाले जो भी मॉब है उसको मारेगा। थर्ड शील्ड है टॉर्च शील्ड। जैसा कि आपको पता है कि पॉकेट एडिशन के अंदर हम जो भी हाथ में टॉर्च को पकड़े तो आजू बाजू रोशनी नहीं फैलती, लेकिन बस ये शील्ड को आप कोई भी हाथ में पकड़ लो आपको आजू बाजू टॉर्च की रोशनी दिखाई देनी चालू हो जाएगी। यार इट्स अ रियली कूल एडोन। इस एडोन के थ्रू हम आराम से इजीली तरीके से माइनिंग कर सकते हैं। इट्स अ रियली गुड शील्ड। मेरे हिसाब से तो ये मेरी फेवरेट शील्ड है। फिर आती है बैरियर शील्ड। ये एक बहुत ही मजेदार शील्ड है। ट्रैवलिंग के लिए ये शील्ड बहुत काम की है कि इस शील्ड के अंदर आपकी जो भी चीज है, जो भी कोई मटेरियल प्रीसियस आइटम्स या वगैरह जो भी है, आप उसे ये बैरियर शील्ड के अंदर आराम से स्टोर कर सकते हो, जस्ट लाइक अ सर्कल बॉक्स। ये भी शील्ड मेरे को बहुत अच्छी लगी है। तो फोर्थ एडोन का नाम है इनसेरे वॉर फॉर, जो भी नाम दिख रहा है आपको ये नाम है इसका, बहुत अजीब नाम है। लेकिन ये एडोन मेनली गन्स के ऊपर बेस है, ग्रेनेड्स के ऊपर बेस है वगैरह वगैरह चीजों के ऊपर बेस है। इस एडोन के अंदर आपको गन्स की सारी एनिमेशन देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे आप किसी के ऊपर गन्स को फायर करोगे तो उसकी एनिमेशन, उसका साउंड इफेक्ट, फिर रिलोड करोगे तो उसका साउंड इफेक्ट, उसकी एनिमेशन ने स्कोप भी कर सकते हो क्राउच करके। इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी एनिमेशन वाली फीचर्स दी गई है और साउंड इफेक्ट भी बहुत मजेदार है। एंड अगर आप जब भी फायर करोगे तो आपकी मोबाइल की स्क्रीन हिलती हो जाएगी, असल में मोबाइल नहीं हिलेगा लेकिन स्क्रीन हिलेगी, वो बहुत ही अच्छा देखने में लगता है और साउंड भी बहुत अच्छा है। आई रियली लाइक दिस एडोन। और इसके अंदर आपको पबजी की सारी गन्स देखने के लिए मिल जाएगी, ग्रेनेड्स देखने के लिए मिल जाएंगे, स्मोक ग्रेनेड देखने के मिल जाएंगे, फ्लैश ग्रेनेड्स मिल जाएंगे। दिस एडोन इज अ रियली फैंटास्टिक एडोन, आई रियली लाइक दिस एडोन। सो फिफ्थ एडोन का नाम है मॉर्फ ब्रेसलेट एडोन। इस एडोन के अंदर आप दूसरे मॉब्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकते हो, अपनी ये पुरानी बॉडी को छोड़ के दूसरे मॉब्स की बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। जैसे कि मैं काव के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ, क्रीपर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ,
स्केलेटन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ, ज़ॉम्बी स्क्रीपर वगैरह वगैरह बहुत सारे मॉब्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ, एंडर ड्रैगन के अंदर भी ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। इस एडोन के अंदर आपको ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये एक मॉर्फिंग ब्रेसलेट बना लेना है। मॉर्फिंग ब्रेसलेट किस तरह बनाते हैं वो अभी मैं बताता हूँ आपको। तो मॉर्फिंग ब्रेसलेट बनाने के लिए आपको पहले सोल सॉइल एंड सोल सैंड की जरूरत पड़ेगी। पहले आपको सोल सैंड को लेना है और उसे फर्नेस में डाल के उसे कुक कर देना है। 10 seconds later, आप जैसे इसको कुक करोगे तो आपको एक कुछ सोल जैसा कुछ मिलेगा जिसका नाम है सोल इन अ ग्लास। फिर आपको क्राफ्टिंग टेबल में जाना है और ये सोल ग्लास को यहाँ बीच में रखना है। ये बीच में रखने के बाद सोल सॉइल को यहाँ चारों ओर इसकी में रख दे और आपका मॉर्फिंग ब्रेसलेट बन गया। ये हो और किसी भी मॉब को फटके ना फटके देने। अबे मार बे। जैसे मैंने ये काव को मारा तो अभी मैं इसके ऊपर यूं क्लिक करूंगा या तो इसको यूं दबाए रखूंगा तो यहाँ पे मेरे को काव का ऑप्शन आ जाएगा और मैं यहाँ सीधा काव के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा। और अभी मेरे दिल भी बढ़ चुके हैं, अभी मेरे दिल 5 हो चुके हैं, नहीं कम हुए ये। मैं चाहूँ तो किसी भी मॉब के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। तो देख सकते हैं अभी मैं आराम से स्केलेटन के अंदर भी ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ, लेकिन अभी मैं सुबह जलूंगा यार। ओके, सो मैंने अभी नेदरराइट का आर्मर पहना था तो इसके लिए अभी मैं नहीं जल रहा हूँ। अरे इसे कहते हैं बिग ब्रेन। अगर मैं अभी यहाँ पे अपना टकला हटाऊंगा तो मैं जलना चालू हो जाऊंगा। सो बस इतना ही है टॉप एडवांस की वीडियो में। और अगर आपको और भी ऐसी क्रेजी या तो इससे भी अच्छी या तो इससे भी धमाकेदार न्यू वीडियो देखनी है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो के ऊपर, लाइक कर दो और इस वीडियो को शेयर करो एंड एंजॉय योर लाइफ।